एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। अभी जो है सवेरे के 11:10 हो रखे हैं और घर के सारे काम हमारे खत्म हो चुके हैं। और इशू है अभी मेरे साथ, फिलहाल मम्मी ऊपर गई हुई है दीदी के वहां। अभी इशू को ना मैंने नहलाना है क्योंकि आज जो है मकर संक्रांति है, तो इसलिए इशू को नहला के रेडी करना है मैंने। मतलब रोज रोज मैं नहीं नहला रही हूँ, एक एक दिन छोड़ के नहला रही हूँ क्योंकि ठंड भी है बाहर इसीलिए। और कल 2 दिन तो धूप आई थी, पर आज फिर से यहाँ पे जो है धुंध लगी हुई है बाहर, पूरी बादल लगे हुए, तो आज फिर से इधर धूप नहीं है। तो देखते हैं धूप कब तक आती है। थोड़ा पर इशू नहाना तो पड़ेगा बेटा, धूप आए ना। धूप आएगी अभी, तो धूप आनी नहीं है आज बेटा, आज नहाना पड़ता है ना, नहाते हैं ना। नहीं नहाया तो कुछ नहीं, पर नहाते हैं आज। क्या होता कुछ नहीं, पर नहाते हैं आज, ठीक है ना। चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। बने रहिए मेरे साथ मेरे ब्लॉग में। और अगर आप लोग को मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज ब्लॉग को लाइक जरूर करें, और अगर आप लोग न्यू हैं मेरे चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। लोग जो हैं दीदी लोगों के वहाँ आ गए हैं, पारू दीदी के वहाँ। कल जो है हमारे वहाँ घुगते बने थे, आज दीदी लोगों के वहाँ बन रहे हैं। मतलब क्या ऐसा था ना कि 2 दिन बनते, किसी के वहाँ कल बनते हैं, किसी के वहाँ आज बनते हैं, तो दीदी लोग आज बना रही हैं। तो मैं दिखाती हूँ यहाँ पे कौन कौन बैठे हैं मेरे साथ। ये रहे घुगते, और वहाँ पे रखी हुई आटे की परात, और यहाँ पे बैठी हैं आमा, ये पारू दीदी की सास है, और ये हैं मेरी मामी, और ये हैं, ये दीदी इनको तो जानते हो, ये है संगीता। भी कोई मुंडी ऊपर नहीं करेगा, ये संगीता, ये दीदी बड़ी एक्टिव है। ये पहली बार ही बन रहे हैं घुगते, संक्रांत वाले दिन बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। आप सभी को बनते रहे, मेरे घर में हर साल बनते रहे घुगते। मेरी बहू काम करती रही, बनाती रहे। मेरे बहू बेटे दिन दुगनी रात सभी तरकियां करते रहे, मेरा घर परिवार सुखी रहे सबका। और ये हैं, ये दोनों छुपे हुए हैं, ये मामी की बेटियां हैं और ये भाभी है, दिखा नहीं रहे अपना फेस, पता नहीं क्यों छुप रहे दोनों। तो यहाँ पे अभी हम सब बैठ के तभी छुप रहेगा, तभी छुप रही है भाभी। तो यहाँ पे घुगते बना रही, मतलब अभी स्टार्ट ही कर रखे है, तो बन जाएगा, जल्दी बन जाएगा, काफी लोग है बनाने वाले। बनाने आ रहे हैं, किसी को नहीं आ रहे, मेरे को बिल्कुल ही नहीं आ रहे। मामी अभी ट्राई कर रही है, मामी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं, अभी नए सीख रहे हैं सारे। दीदी सिखा रही है उन्हें बगल में बैठ के। पता ही है मुझे, मैं तो पीती हूँ यार। तो जी घुगते हमारे बन चुके हैं, सारे घुगते यहाँ पे बना दिए, और परात खाली हो चुकी है। और भाभी सॉरी मोनिका, और मोनिका जो है ना अभी चाय बना के ले आई थी, तो अब हम लोग यहाँ पे चाय पी। आपने नहीं पीनी थी है, मैं कम कर देती हूँ। मैं कम कर लेते हैं, नहीं है ये, नहीं पीनी। तो जी हम लोग जा रहे हैं अभी छत से नीचे को, और अभी जो है ना हम लोग जो मामी आई थी उनके वहाँ जा रहे हैं, क्योंकि उनके वहाँ पे भी जो है घुगते बनाने, और वो भी फर्स्ट टाइम बना रहे हैं। मतलब दीदी और वो दोनों पड़ोसी हैं, तो दोनों साथ में फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, तो अभी हम उनके वहाँ जा रहे हैं। पीछे देखो, देखना जरा। बस वो जो बगल में पड़ोसी थी ना, अरे इल्ले नाचू ही को, अरे केतने केतना का हुला तो नहीं हो रहे। तो जी हम लोग अभी आ चुके हैं मामी के घर पे, अभी यहाँ पे अभी स्टार्ट करते हैं घुगते बनाना। लोग आए हुए हैं छत पे, और अभी जो है रात के 7:30 हो चुके हैं, और हम लोग छत में आए थे तैयार बनाने के लिए। मतलब जिस दिन हम लोग घुगते बनाते ना, तो उसके बाद जो है हमारा त्यौहार बनता है। आज उस दिन मकर संक्रांति होती है, तो उस दिन हम लोग जो है त्यौहार बनाते हैं, त्योहार बनाते हैं। तो अभी हम लोग छत पे आए हैं, मैं और दीदी हैं अभी तो फिलहाल। ये दीदी है, दीदी जला रही है आग, सबसे मुश्किल काम जो स्टार्टिंग का होता है आग जलाना, तो आग जलाते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग जो है पकवान बनाएंगे, और मैं दिखाती हूँ हम क्या क्या, अभी हमारी जो तैयारी चल रही है, क्या क्या बनाने वाले हैं हम लोग। तो जी सबसे पहले तो ये है, ये ना हमने चावल का आटा जो है उसको भिगो के रखा हुआ है, और इसमें हमने गेठी डाली है, तो इसके हम लोग बनाएंगे पू अभी। तो जैसे जैसे बनते रहेंगे आपको पता चल जाएगा कैसे बनेंगे, तो इसके हम बनाएंगे पू।
और ये है, ये नीचे तो आटा गूंथ के रखा हुआ है, तो है ये ना मांस भिगो के रखे थे तो उसको भी पीस के और उसमें बाकी सारे मसाले डाल के तो ये बनाया, मतलब इसकी ना पूरी जैसी बनाएंगे। और तो ये दो आइटम है, दाल पूरी, हाँ दाल पूरी टाइप की, मतलब दाल की पूरी। तो बस ये तैयारी है, बाकी यहाँ पे कढ़ाई रख दी है, अभी ईशु और मम्मी भी आ गए हैं यहाँ पे, तो ये कढ़ाई रख दी है, तो जैसी तेल गर्म होगा फिर धीरे धीरे हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे, और आप लोग भी देखते रहिए। तो हाथ में बना यार, इसको अंदर को करते, क्या अंदर को करूँ, ये जो बाहर गया लकड़ी, रुक जा, हाँ तो ये रुक रुक रुक, एक एक, एक को कर इसको, डगमगा तो नहीं रही, इस वाले को भी कर, उसको मत करना, बस नहीं अब नहीं होगा, कल भी ऐसे किया था, मेरा भी लग गया, लग गया नजर बट्टू, ले दिखा, ले साफ कर, ले जा साफ कर को, दो दो रत्न मुंह क्यों को, हाथ या सही बना देने घर में आ कपड़े धोए, मेरे बड़ी सुखी ले रही जी को, हाथ घर में ये कपड़े कपड़े धो के साफ हुए थे, फिर से हो गए हैं, तो अभी यहाँ पे जो है हमने मास्क की पूरी डाली हुई है इसमें, और अभी यहाँ पे हमारे साथ मम्मी हेडमास्टर नहीं है सिखाने वाले, मम्मी का हमारे क्या कहते हैं, हमारे जो कह रही दीदी का हाथ से तसल्ली नहीं हो रही ना, फिर मम्मी कहती हूँ छोड़ो मैं ही बनाती हूँ, आता ही नहीं तो कैसे बनाए हम, क्या मटर के डाल के, अरे मैंने आज सोचा था ना उसके भी पूरियां बना लेंगे थोड़ी, मक्के के आटे के बड़ी अच्छी पूरियां बनती है, मसाला भर के या नॉर्मल, नहीं नॉर्मल मसाला, उसमें मसाला डाल के चिली फ्लेक्स वगैरह डाल के गूंथ के बड़ी अच्छी पूरियां, गोद ने समय डाल दिया ना, हाँ। तो अभी यहाँ पे मम्मी बना रही है, मैं आपको दिखा रही है, हाँ मैं आपको, हम तो क्या ही सीख रहे हैं, आप लोग देखो कैसे बनता है, हमारा मजाक ना आए, हमसे हो ही नहीं रही, मम्मी हाथी में इसको कर रही है इसका काम, ये मसाला ये मम्मी ने अपने लिए अलग से रखा हुआ है, थोड़ा ज्यादा नमक डाल के, दादी है पूरी है मास्टर, हेड मास्टर नहीं, अब इसके अंदर ना रोटी के आटे के अंदर मम्मी ने मसाला भर दिया, अब इसका वापस गोला बना के फिर मम्मी हाथी में इसको पाकेगी, मतलब इसकी पूरी जैसी बनाएगी, इशु साइड हो तो बेटा दो मिनट, क्या गया पूरी, ये देखो ये बराबर, मम्मी के हाथ में जितना आ रहा है ना उतना हमारे हाथ में आ ही नहीं रहा, सारा ही बाहर निकल जा रहा है हमारा हाथ, रोटी हो जा रही है, अब बढ़ाओ, अब बढ़ाओ, मम्मी ने अपने लिए बना दिया ज्यादा नंबर वाला, एक ही बनाना मैंने, इसका बड़ा बड़ा एक ही खाना है, ये पूरी तो बनेंगे ना, बड़ा बना दिए, सारी हमने बना दी हैं, और जो दाल के वो बच्चे हुए थे ना उसके हमने ये बड़ा बना दिया, जो दाल के मसाला बचा हुआ था, अब हमारी तैयारी चल रही है ये बनानी के लिए, नई परीक्षा के लिए डालो, अब नई परीक्षा के लिए देखते हैं ये, अच्छा मम्मी फिर आएगी ठीक टाइम पे, अच्छा मैं अरे ऊपर आगे फट जा रहे हैं, मैं क्या करूं, नहीं हो रहा है, बताओ है ये, मम्मी फिर आ गए यहाँ पे अपनी कलाकारी दिखाने के लिए, अब जश हुआ और वो देखा आप मैं अगर अल्लाह फिर छा है ये ना बेइज्जती, फिर बेइज्जती आ जाए, फिर बेइज्जती आ जाए, लाइए वीडियो में, वीडियो आ जाता बड़ा छा जम कर दिया कभी, निकाल तो क्यों हुई क्यों आग इतना ही करना है, ये तो कमी कर दी आग पूरी डालो, अब मम्मी के हाथ का देखते हैं उद्घाटन, अब हो गए हो गया परीक्षा की घड़ी सफल, जाकर मैं लूट दू पहले उधर जाने के ना खुला सही हो गया, उसके दादी में आवाज आई ना अलग, तो क्या यार आग इतनी रखनी दीवी दादा, आग से नहीं होता फिर ऊपर को कब आएगा, मैं कदल पकड़ दो, अच्छा तो मैं रह जाऊंगा ये रहा छत में
अब आए भाई आई थी लाए पिस्तल लाए यश मतलब लगा दिल तू घंटे नाश्ता चुआ ये ना बनने के बाद कुछ ऐसा हो जाएगा अभी तो एक ही बना फिलहाल तो एक ही दिखाते हैं आपको हाँ बहुत टेस्टी होते हैं जो खाना है वो जिंदगी मगल उस बड़ा गैल बनाई रत्ता उठा लो खोला हाँ बड़ा की खाई दीदी प्यार की खा की प्यार खा कल बढ़ायो ये बड़े दोबारा खाने मम्मी बाहर से तो जले अंदर से कच्चे हैं ये चेक करना मम्मी एक बारी कुछ हो एक की बारी खोल के देखो कह रही हूँ ठीक है री अब तोड़ के पकाने पड़ेंगे ना सारे निकाल दो और ये हमने बनाए तो थे ना दाल अंदर से कच्ची दाल वैसी की वैसी दिखा मेरा वाला दिखा फूला सबूत के तौर पे का इतने भी नाकाम नहीं है गादी मेरा बहू है आपके यार बुआरी मिल रही मिल जी ये है हमारी आज का डिनर ये ना आलू और छाँक की सब्जी बनाई हुई है बाकी ये रहे बड़े थोड़ा सा कच्चे थे तो इनको तोड़ के फिर हमने वापस पकाए और ये रही दही और ये हैं पुए और ये हैं बड़ी दाल वाली पूरी तो चलिए हम लोग करते हैं डिनर और मिलती हूँ आपको न्यू व्लॉग के साथ।